पिता सर जगतगुरु श्री ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में मैं सरस्वत नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन दिलावर जी, जल सेवा दल के सभी पदाधिकारीगण, अतिथिगण, भाई और बहनों, रामगंज मंडी का ये क्षेत्र जिसकी खुशबू बहुत दूर तक है, हमारे किसान भाई की मेहनत के कारण इसका नाम पूरी दुनिया के अंदर है। पत्थर के रूप में भी एक बेहतरीन पत्थर जिसका कोई अभी तक तोड़ नहीं निकला, कोटा स्टोन और धनिया के रूप में नगर की पहचान देश और दुनिया के अंदर है। उसी तरह की पहचान जल सेवा के रूप में भी पूरे देश के लोग जब ट्रेन से यहां गुजरते हैं और किस तरीके से सेवा और समर्पण के माध्यम से पैंतालीस साल से अधिक जन सेवा का पुण्य काम कर रहे हैं, इस सारे इलाके के अंदर पानी की बहुत कमी थी, भविष्य में संभावना है कि सारे इलाके के अंदर पानी की कोई कमी नहीं रहे, लेकिन उस समय जब पानी का अभाव था रामगंज मंडी में सात सात दिन पानी आता था, उस समय भी उस पानी के अभाव को रामगंज मंडी के लोगों ने देखा, अनुभव किया और उस अनुभव से जो ट्रेन से गुजरने वाले देशभर के यात्री थे उनको ठंडा पानी मिले, इसके लिए जल सेवा के रूप में हर यात्री के हर डब्बे के बाहर जल सेवा जैसा पुनित कार्य यहां की संस्था करे। ये मौका कश्मीरी लाल पंजाबी जी को भी याद करने का है, जिन्होंने इस जल सेवा जैसा पुनित कार्य किया और उस पुनित कार्य को लगातार 35 साल तक 45 साल तक यहां के पदाधिकारी बहुत ही सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जल की माता कौन नहीं जानता, आचार्य जी और लंबी बात बताते तो जल की माता का एक लंबा दो घंटे का व्याख्यान कर सकते थे। जल जीवन है और उस जीवन की एक एक बूंद बचाने की जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि दुनिया के अंदर जब कोई अगला संघर्ष होगा तो जल पर होगा, इसलिए एक एक जल की बूंद को बचाना भी सही और हर बूंद का उपयोग मानव सेवा के लिए भी करना,
एकांत जल सेवा दल द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी पदाधिकारियों को, उन व्यक्तियों संस्थाओं को जिन्होंने इसके लिए सहयोग किया, उनको धन्यवाद देता हूं। इस संस्था ने कहा कि हम प्यास को बुझा रहे हैं लेकिन भोजन तृप्ति का ले भी हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। तो ये दोनों पुनीत कार्य कर रहे हैं। लगातार 35 साल से भी अन्न भंडार चला रहे हैं, अन्न सेवा का काम कर रहे हैं, सबके सहयोग से कर रहे हैं ताकि हर राहगीर चलने वाले व्यक्ति को पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से दो टाइम का भोजन मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, वस्त्र मिल जाए। ढकने के लिए, राहगीर के लिए रैन बसेरा मिल जाए। ये सब काम राम मंडी के लोग मानव कल्याण और मानव सेवा के लिए कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी राम मंडी और यहां के गांव के लोगों को साधुवाद देता हूं। राम मंडी की महक धनिये की है, कोटा स्टोन किए तो सेवा के रूप में भी इनकी महत्व बहुत पूछता है। हर सेवा पुण्य के काम में राम मंडी का व्यक्ति आगे रहता है। कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के समय भी जब पूरे देश पूरे विश्व में महामारी का संकट था, हर व्यक्ति की जान को बचाना एक चुनौती था, उस समय भी यहां के लोगों ने जो मानव सेवा का काम किया, हर व्यक्ति को चिकित्सा का लाभ मिले, ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन का इंतजाम हो, एक सामूहिकता के साथ, सामूहिक संकल्प और सामूहिक विश्वास के साथ उस कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के समय भी सभी लोगों ने सामूहिकता से काम किया। इसके लिए भी मैं राम मंडी के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में हमारे कार्यों में मानवीय सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जब ये वैश्विक महामारी दुनिया भर में हुई तो बहुत बड़े विकसित देश भी इसके मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सामूहिक जनशक्ति के कारण, हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण हम इस कोरोना महामारी की चुनौती का मुकाबला भी कर पाए और इसको रोकने में भी कामयाब हो। मुझे आशा है ये सेवा भाव, ये मानव कल्याण सेवा का भाव लगातार आगे बढ़ता रहे और हम इसी तरीके से मानवीय सेवा हमारे संस्कार में है, हमें ऐसे कार्यों से निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रेरणा को लेकर जाए।
हमारे आध्यात्मिक धर्म के गुरु लगातार आध्यात्मिक और धर्म सेवा के संस्कारों के माध्यम से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उन्हीं आध्यात्मिक धर्म के कारण सत्य पर चलकर हम मानवीय सेवा जैसा पुण्य काम करते हैं। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये इसी तरीके से हमारा सेवा भाव चलता रहे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण तक हमारी सेवा निरंतर अटूट रूप से चलती रहे। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली का यह पर्व सबके जीवन में खुशी लेकर आए, उत्साह लेकर आए और हम सबके सामूहिक प्रयासों से सबकी जिंदगी में उजाला हो, सबके जीवन में खुशी हो, सबके जीवन में उत्साह हो, इसको संकल्प पर्व के रूप में मनाए। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।